भारत में आए दिन संविधान निर्माता और बहुजनों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़कर उनका अपमान किया जाता है। साथ ही हर वो काम करने का प्रयास किया जाता है जिससे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को खत्म किया जा सके। और अब ये काम हमारे देश की तथाकथित मनुवादी सरकारें विदेशों तक में करा रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर यूनाइटेड स्टेट की जनरल असेंबली में 2016 से हर साल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। कार्यक्रम में देश दुनिया के लोग शिरकत करते और बाबा साहेब के विचारों से अवगत होते थे। लेकिन इस बार भारत की मोदी सरकार ने 14 अप्रैल को होने जा रही डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार की एम्बेसी ने इस बार डॉक्टर अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम रद्द करके सद्गुरु बाबा के कार्यक्रम को परमिशन दे दी है। वहीं भारत सरकार के इस फैसले की चारों तरफ निंदा हो रही है। संजय खोबरगड़े ने विरोधी स्वर में अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि भारत को जवाब देना चाहिए कि महामानव डॉक्टर अंबेडकर की जयंती यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली हॉल में इस साल क्यों न मनाई जाए। आपको बता दें 2016 में पहली बार यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर अंबेडकर जयंती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का आयोजन दिलीप महाशकी ने कराया था। कार्यक्रम में भारत की इकलौती महिला डॉक्टर मनीषा बांगर शामिल हुई थी। मनीषा बांगर ने कार्यक्रम में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे छात्र रोहित बेमुला का मुद्दा भी उठाया था। साथ ही जब उनसे पूछा गया कि विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण माने जाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का भारत में उस तरह से क्यों विस्तार नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए था, इसका जवाब देते हुए डॉक्टर मनीषा बांगर ने देश की सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि भारत में मनुवादी सरकारों का वर्चस्व है जो किसी भी कीमत पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का विस्तार नहीं होने देना चाहती है। वहीं ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि भारत की मोदी सरकार ने यूनाइटेड नेशन में हर साल मनाई जा रही डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम को क्यों रद्द कर दिया और वहां धार्मिक प्रचार कराने के लिए सद्गुरु बाबा के कार्यक्रम की इजाजत दे दी। क्यों भारत के साथ ही दूसरे देशों में भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।